शिक्षा के क्षेत्र में मुरादाबाद के स्कूलों के साथ जनपद के मदरसों में भी बेहतर शिक्षा देने के साथ विद्यार्थियों की हर छोटी बड़ी समस्या का विषय रखा जाता है। अप्रैल से मुरादाबाद जनपद के मदरसों में सत्र शुरू कर दिया जाएगा। जनपद मुरादाबाद के पीपलसाना स्थित मदरसा जामिया तहसीन उल साबरी में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए प्रवेश प्रारंभ कर दिए गए हैं और सत्र अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की शिक्षा दी जाएगी और बच्चों को दीनी तालीम देने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी शिक्षकों के द्वारा काम किया जा रहा है। मदरसे के सदर तहसीन साबरी का ये कहना है कि किस क्षेत्र में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए हम काम कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत भी बच्चों को जागरूक करने के लिए भी लगातार मदरसों द्वारा प्रयास किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम पूरे क्षेत्र में अभियान चलाकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी बच्चे मदरसे में आए और प्रवेश लें और अच्छी शिक्षा लेने के साथ शहर और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। इस मौके पर सिटी चैनल संवाददाता आलम अब्बासी से बात करते हुए मदरसे के सदर तहसीन साबरी ने बताया कि सभी क्षेत्रवासी मोबाइल नंबर 9756661216 पर संपर्क करें और जल्द ही अपने बच्चों का दाखिला कराएं। उन्होंने आगे कहा, अजय मदरसा कहाँ पर खुला है और क्या तालीम होगी? मदरसा पीपलसाना में खुला है, मोहल्ला सुंदरनगर। इसके अंदर तालीम उर्दू, हिंदी, अरबी, इंग्लिश, संस्कृत, मतलब सभी विषय है। दुनियावी और दीनी भी दोनों तालीम दी जाएंगी इसके अंदर। क्या नाम है मदरसा का? मदरसा जामिया तहसीन उल साबरी। कहाँ तक पढ़ाई होगी इसमें इंग्लिश के हिसाब से? जी, इसमें जो पढ़ाई होगी पहले क्लास से लेके आलिमा तक, आलिया तक, मतलब हाई स्कूल तक पढ़ाई होगी इसके अंदर। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों से, क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, यहाँ से कहने का कि अच्छी तालीम दी जाएगी बच्चों को, अपने इस मदरसे के अंदर जो है अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अच्छी तरीके से यहाँ पर तालीम दी जाएगी, इंग्लिश अच्छी तरीके से सिखाई जाएगी, दिन का ही जो जितना भी दिन का तालीम का काम होगा वो अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा बच्चे के लिए। और हर शनिवार में जो खवातीन यहाँ की रहने वाली हैं, जो घर में रहती हैं, दिन नहीं सीख पाती, उनके लिए हर शनिवार में सुबह 10 बजे से और 2 बजे तक इस समय का प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। बच्चे के खाने का माकूल इंतजाम है, रहने का माकूल इंतजाम है, और बच्चे के जो यहाँ पे हमारे पास में जो बच्ची रहेगी जब एडमिशन कराएगी यहाँ पर रहेगी, उसके लिए कुरान शरीफ, रहल और एक जानमाज वो मदरसे की तरफ से पूरी दी जाएगी उसको। क्या फीस रखी है आगे यहाँ की? जी बिल्कुल, हमारा इरादा यहाँ पर फ्री तालीम देने का है, जिसमें कि हम किसी फीस के माध्यम से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी होगा वो नॉर्मलिटी रखा जाएगा। क्योंकि खाना जब यहाँ पे खिलाया जाएगा तो वो खाना कहीं अपने घर से रहा, अगर मदरसे का बच्ची खाएगी तो उसका जो भी होगा वो उसको बता दिया जाएगा। ये आपने कब से ये बात सोची है बिल्डिंग बनवाने में? ऐसे जैसे बहुत लोग तो पैसे लेके करते हैं, आप फ्री में कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है? क्या जी, ये दीन की एक खिदमत करना चाहते हैं, और ये जो हमने सोचा कि आज के जो बच्चे हैं उनको तालीम नहीं मिल पा रही, तालीम के जब नहीं मिल पा रही तो उसके अनुसार जो है बच्ची गलत शिक्षा में पहुँच रही है, दिन का काम नहीं कर पा रही, दिन की बात को नहीं जान पा रही, तो उस माध्यम से हमने ये सोचा कि एक दिन का जो है मरकज चलाया जाए, उसको बच्चे को पढ़ाया जाए, वहाँ पे हमें तालीम दिलाई जाए हमसे, कि हमारे द्वारा से अगर कोई भी बच्चे तालीम लेगी, सही शिक्षा पर चलेगी तो वो अच्छा है। ठीक। इस मौके पर मोहम्मद फहीम, मोहम्मद शमीम सकलैनी, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद आकिल, मोहम्मद फुरकान, डॉक्टर शौकीन साबरी, मोहम्मद आसिम, मास्टर मुख्तम सहित स्कूल का पूरा स्टाफ शहरवासियों से अपील करता हुआ दिखाई दिया।